रही है, ये दुर्भाग्य का। आरक्षण के बयान पर जसकौर मीणा की सफाई, मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, एसटी को मिलने वाली सरकारी योजना का लाभ छोड़ने की बात कही थी, आरक्षण से जोड़कर गलत तरीके से किया गया बयान पेश, आरएसएस के बारे में क्या जाने मुरारी लाल, आरएसएस तो सेवा भाव का संगठन है, जैसे गैस सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया था वैसे ही योजनाओं का लाभ छोड़ने की बात कही थी। पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान में एक मुद्दा काफी चर्चित हो रहा है, बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का एक बयान सामने आया कि जो सक्षम हो चुके हैं वो आरक्षण छोड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद जसकौर मीणा हैं और उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा का भी बयान आया और इनसे इस्तीफा मांगा गया, कहा गया कि रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा है, इस्तीफा दे। मैडम, आपने जो बयान दिया उसको उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या बयान सही था, क्या था? मेरा बयान बिल्कुल तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं आरक्षित सीट से चुनाव लड़ी हूँ, खुद ने आरक्षण का लाभ लेकर जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में हमें आरक्षित किया है, संरक्षण दी है, उस संरक्षण का मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि मैं लोकसभा के अंदर बार बार जब ये मुद्दा आया, अटल जी के टाइम जब 20 साल बढ़ाना था, मोदी जी के टाइम जब ये 10 साल बढ़ाना था, दोनों बार पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट आज भी ट्विटर पर मौजूद है, आप उसको सुनिए और सुनने के बाद देखिए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयपुर मैंने कहा उसमें स्पष्ट एक ही बात थी कि 13-14 के अंदर छात्रवृत्ति में केवल 3 करोड़ रुपया ही छात्रवृत्ति में आवंटित था एसटी एससी के लिए। और आज 2021 में यदि 2021 और 21-22 का मैं आपको बताऊँ कि 50.7 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के लिए आवंटित हुआ। तो मेरा एक ही कहना था कि जिस तरह से मोदी जी ने आह्वान किया था कि गैस की सब्सिडी सक्षम लोग छोड़ दें, ठीक उसी प्रकार मेरा वक्तव्य था कि हम भी जो सक्षम हैं वो छात्रवृत्ति का और जो एसटी एससी के लिए अनुदान दिया जाता है उसका हम परित्याग करें। आरक्षण शब्द ही नहीं और आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण है उसका मैं विरोध कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद आरक्षित हूँ, मेरा जन्म मीणा समाज में आरक्षित जाति में हुआ है। तो मेरे शब्दों को, मेरे वक्तव्य को यदि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले अपने टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं तो उसका तो मैं क्या करूँगी। जयपुर रेट परीक्षा धांधली में ईडी की जांच शुरू हो गई, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, कहा ईडी ने परीक्षा धांधली से संबंधित मुझसे साक्ष्य मांगे थे। ईडी को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अहम सबूत भी दिए, कहा पूरे प्रकरण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई है, ईडी की जांच से रीट परीक्षा धांधली प्रकरण में बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। शुरू शुरू में जो मैंने जानकारी तथ्य इकट्ठे किए थे बड़े सूत्रों के हिसाब से तो 400-500 करोड़ का लगता था, अब इसमें 1,000-1,200 करोड़ के तो राशि इकट्ठी की गई है और पूरे माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, पेपर लीक माफिया, और राजस्थान का जवान खुले में लूटा गया है, उसके प्रमाण मैं मीडिया को भी दे चुका और ईडी को भी दे चुका। देखो, सरकार ने एक कहावत है, सांप को क्या मारो, सांप की माँ को मारो। सरकार सांपों को मार रही है, उनसे काम नहीं चलने वाला, सांप की माँ को पकड़ना पड़ेगा। सरकार ने पकड़ा नहीं, मेरे को भरोसा ईडी पकड़ेगी और मजबूत कार्रवाई करेगी। शाहपुरा में पेयजल संकट से लोग परेशान हैं, पेयजल संकट से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, गुस्साए वार्ड वासियों ने नीमका थाना स्टेट हाईवे को जाम कर दिया, जलदाय विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई, पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया, शाहपुरा कस्बे का पूरा मामला बताया जा रहा है। पेयजल संकट से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोग सड़कों पर निकल आए, ये तस्वीरें हाईवे जाम करने की है क्योंकि इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। उदयपुर में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, कार की चपेट।